फेस ऑफ ए फ्यूजिटिव इस इंग्लिश फिल्म की रीमेक थी 1974 की फिल्म रोटी, जो कि मनमोहन देसाई साहब की फिल्म थी। 1974 आपकी कसम जिसका गाना हमने सुना वो बर्फीला नशीला, वो भी 1974 की फिल्म थी। खैर, टिपिकल आनंद बख्शी लिरिक्स, लिल्टिंग म्यूजिक ऑफ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, हमें नाचने पर मजबूर करने वाला ठेका, किशोरदा और लता जी की आवाज़, राजेश खन्ना और मुमताज जी की केमिस्ट्री इस गीत में भी हमेशा की तरह अच्छी लगती है। एंड मुमताज जी हेयर विथ हर ऑरेंज साड़ी इन फर्स्ट स्टैंजा, और जैसे ही बरसात बरसने लगती है तो नीली पोशाक में आ जाती हैं। अब ये नटखट गाना राजेश जी की जानलेवा अदाओं के साथ और भी सुंदर लगता है। आपका ध्यान एक चीज़ की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ कि इस गाने में जब इंद्रधनुष पर्दे पर छा जाता है तो बिल्कुल बांसुरी इतनी सुंदरता से बजती है, और फिल्म के जो आखिरी सीक्वेंसेस थे उसमें राजेश जी को मुमताज जी को उठाकर बर्फीली वादियों में और रास्तों पे चलना था तो बहुत कठिन महसूस कर रहे थे, लेकिन फिर भी मुमताज जी को कंधों पर उठाने के बाद कहते थे हर बार कि आप इतनी हेवी नहीं हो जितना कि आपको लगता है। मुमताज जी कहती हैं कि मैं सच जानती थी। खैर, बहुत सारी यादें होती हैं हर फिल्म के साथ। गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग दो दिन में झल जाएगा। वो गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, वो गोरा रंग दो दिन में ढल जाएगा। मान कर वो गोरा रंग दो दिन में ढल जाएगा। ओ रूप मिट जाता है ये प्यार ऐ दिलदार नहीं मिटता। क्या बात कही है ओए तोबा, क्या बात कही है ओए तोबा। ये दिल बेईमान मचल जाएगा। वो गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, वो गोरा रंग दो दिन में ढल जाएगा। Thank you so much.
थैंक यू थैंक यू.